वर्ल्ड कप 2023 का खुमार समाप्त हो गया और अब T20 का खुमार सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि भारतीय टीम का जो अगला श्रृंखला है वो 5 मैचों की T20 श्रृंखला कंगारुओं के खिलाफ है। फिर उसके बाद जो भारतीय टीम का अगला मिशन है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 है, और उससे भी पहले IPL 2024 इस वक्त सबके सर पर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया है। तो IPL से अगर हम बात करें रिलेटेड खबर की, तो वो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है। आपको इमेज देखकर समझ में आ गया होगा, बैकग्राउंड इमेज देखकर, कि ये खबर किससे संबंधित होने वाली है। यहां पर आपको किंग खान शाहरुख खान दिख रहे होंगे और उनके बगल में अपने गौतम गंभीर दिख रहे होंगे। तो ये जो खबर है ये इन्हीं दोनों खिलाड़ियों से, मतलब इन्हीं दोनों जो पर्सनालिटी है उन्हीं से संबंधित है। किंग खान शाहरुख खान की KKR टीम और गौतम गंभीर से उनके जुड़ाव के बारे में ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको पता है कि IPL 2023 में गौतम गंभीर मेंटोर थे, ग्लोबल मेंटोर उनको नियुक्त कर दिया गया था लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का, लेकिन पिछले 6 महीने से खबर आ रही थी, उड़ रही थी और उसको अफवाह माना जा रहा था कि गौतम गंभीर लखनऊ टीम का दामन छोड़ सकते हैं, और किंग खान ने आज इसकी पुष्टि भी कर दी है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, किंग खान ने आज अपने ट्विटर पे ये पुष्टि करते हुए लिखा कि गौतम गंभीर की घर वापसी हो रही है और इस वक्त वो नए अवतार में होंगे, यानी कि बतौर मेंटर गौतम गंभीर को KKR टीम ने साइन कर लिया और वो लखनऊ टीम का दामन छोड़ चुके हैं। अगर हम उस ट्वीट की बात करें जो शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, तो शाहरुख ने लिखते हुए कहा, गौतम हमेशा से KKR के परिवार का हिस्सा रहे, अब हमारे कप्तान की फिर से घर वापसी हो रही है, लेकिन इस बार मेंटर के अवतार में। तो यहां पर शाहरुख खान ने अपने ट्वीट से धमाका मचा दिया है और इस वक्त हर जगह यही बात चर्चाओं में है कि गौतम गंभीर ने लखनऊ का दामन छोड़ दिया है और इस वक्त फिर से वो KKR के साथ जुड़ चुके हैं, और जो रोल वो लखनऊ में निभा रहे थे वही रोल वो KKR में बतौर मेंटर भी निभाएंगे। इसके बाद गौतम गंभीर ने भी एक इमोशनल पोस्ट लिखा और उन्होंने शाहरुख खान को धन्यवाद भी दिया। अगर हम गौतम गंभीर के पोस्ट की बात करें तो गौतम ने लिखा, मैं बहुत भावुक व्यक्ति नहीं हूं और ना ही मुझे बहुत सारी चीजें हिला पाती हैं, लेकिन ये फैसला कुछ अलग है। जहां से सिलसिला शुरू हुआ था वहीं एक बार फिर आ गया है। इस वक्त मेरे दिल में एक आग है जब मैं ये सोचकर सोता हूं कि एक बार फिर से मैं वही पर्पल जर्सी पहनने वाला हूं। मैं KKR से जुड़ने के लिए बहुत ही इच्छुक हूं और इसको एक सफल टीम बनाने के लिए भूखा भी हूं। तो ये इमोशनल पोस्ट गौतम गंभीर ने किया और उन्होंने घर वापसी वाले इस पोस्ट से सनसनी मचा दी है इस वक्त ट्विटर पे। और KKR की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर उनके कोचिंग स्टाफ पर नजर डालें, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वहां पर आपको चंद्रकांत पंडित दिखेंगे, अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच रहेंगे, जेम्स फॉस्टर असिस्टेंट कोच के रूप में रहेंगे, भरत अरुण बॉलिंग कोच रहेंगे, रैंटन डॉस्काटे फील्डिंग कोच रहेंगे, और इसके अलावा अब गौतम गंभीर भी इसी सपोर्टिंग स्टाफ में जुड़ चुके हैं और बतौर मेंटर उनको इस टीम में जोड़ा गया है। और ये आप आश्चर्य मत होइएगा कि गौतम गंभीर को ग्लोबल मेंटर भी शाहरुख खान नियुक्त कर सकते हैं। तो शाहरुख खान इसी उम्मीदों से गौतम गंभीर को इस टीम से जोड़े होंगे कि जो सक्सेस उन्होंने 2 IPL में इस KKR टीम को दिलाई है वही सक्सेस बाकी आने वाले IPL के संस्करण में वो दिलाएं। और एक उन्होंने ये भी ट्वीट करके लिखा कि गौतम गंभीर के जुड़ने से हम लोग इस टीम में नेवर डाई एटीट्यूड वाला अप्रोच लाना चाहते हैं, और ये उम्मीद मैं करता हूं कि गौतम गंभीर चंद्रकांत पंडित के साथ ये अप्रोच जरूर हमारे खिलाड़ियों में भर सकेंगे। तो ये तो पूरी न्यूज थी कि गौतम गंभीर ने लखनऊ का दामन छोड़ दिया है, KKR का दामन पकड़ लिया, और KKR टीम के ओनर शाहरुख खान भी इससे बहुत खुश हैं। वहीं गौतम गंभीर भी काफी इमोशनल नजर आए इस नियुक्ति के बाद। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया ये जो गौतम गंभीर की नियुक्ति हुई वो कितनी सही है, लखनऊ के लिए कितना बड़ा झटका है, तो वहीं KKR के लिए कितना फायदा पहुंचा सकती है। तो आज के अपने इस ब्रेकिंग न्यूज के रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।